अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं सफदरजंग के टॉम में, और ये जो है मुग़ल मेनुमेंट्स का, यानी कि मुग़ल एम्पायर का आखिरी आर्किटेक्चर है जिसको हम आपको दिखाएंगे, और इसके बारे में जितनी ज़्यादा डिटेल होंगी वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका मेन टोम है। ये इसका मेन कॉम्प्लेक्स है। अब हम इसके अंदर चलते हैं। ये मेन कॉम्प्लेक्स है और ये उनकी कब्र है। चारों तरफ एक जैसे ही विंडोज वगैरह और रास्ते हैं। और देखा जाए तो उस तरफ भी झरना था पानी का, और इस तरफ भी है, और उस दूसरी तरफ चला जाए तो इस तरफ भी पानी का झरना ही है, वो देख सकते हैं। और ये मेन कॉम्प्लेक्स है। जिसमें चार मीनार और चार दरवाजे, मेन बड़े दरवाजे हैं। बाकी देख तो दोस्तों, अब हम दूसरी तरफ से उतरे हैं और अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं यहाँ के पैलेस को, यहाँ के वातावरण को, देखते हैं कैसा है क्या नहीं है, घूमते हैं थोड़ा जी। इसीलिए इस जगह से शुरुआत कर रहे हैं और आगे तक नोटिस करते हुए देखते चलते हैं, देखते हैं और आपको बताते हैं। प्लेस तो अच्छा है, इसका पीछे का व्यू है कुछ ऐसा, देख सकते हैं। यप, देख सकते हैं। पहली बार मैं किसी भी मतलब प्लेस का जो है कोना कोना घूमने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आशा करूँगा कि वीडियो अच्छी रहेगी, है ना, और सब्सक्राइबर भी अच्छे पड़ेंगे मेरे। छोड़िए ये सब तो बातें, पहले प्लेस को देखते हैं, घूमते हैं कैसे लोग इतने बड़े जगह में रह लेते थे। हमारी तो पैदल चलते चलते हालत ख़राब हो चुकी है। देख सकते हैं आप गार्डन को, महसूस कर सकते हैं, घूम सकते हैं, अच्छी जगह है घूमने के लिए। आइए, घूमिए, बैठिए, जगह में कोई बुराई नहीं है। ना ही वैसा कुछ लगा मेरे को कि यहाँ पे कपल्स आते हो,
फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, यानी कि दिल्ली में शायद मेरा दूसरा जगह है ये, लेकिन मैं ऐसा जगह देखा हूँ कि हाँ फैमिली के साथ आकर के इंसान आराम से बैठ सकता है और अच्छे से इंजॉय कर सकता है फैमिली के साथ। तो मोस्टली क्या होता है हम फैमिली के साथ कहीं नहीं निकल सकते, लेकिन ये जगह अच्छी है, यहाँ पे आप फैमिली के साथ आराम से आ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हाँ चलिए, ये जो है हम इस जगह के तीसरे साइड की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे। खूबसूरत तो है, छोटा सा ये लेकिन खूबसूरत है, लेकिन जगह बहुत बड़ा भाई, घूमने में जगह बहुत बड़ा है, बस बाकी जो मेन डोम है वो छोटा सा है। ये देख सकते हैं आप तीसरी साइड से, यहाँ पे ऑलरेडी शूटिंग वगैरह चल रही है। इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। यहाँ के गाइडलाइंस हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी, आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे भी एक, हाँ ये है बादशाह पसंद, ये आप पढ़ सकते हैं। दोबारा हम मेन कंपाउंड की तरफ ही जा रहे हैं, मतलब हम इसके एक दो तीसरे साइड की तरफ, तीन साइड तो हमने घूम लिया, एक लास्ट साइड है उस तरफ वाला, वो जो सामने दिख रहा होगा उधर, उस तरफ वाला, अब उस तरफ चलेंगे, उस तरफ देखेंगे कैसा है। जैसा भी बताया ये हम आ गए भाई मेन कंपाउंड की तरफ, जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत करी थी। एक लास्ट रह गया है जो हमें इधर घूमना है, इधर देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर वीडियो को करेंगे क्लोज, चलेंगे अपने अपने घर। ये शायद मस्जिद है, ये मस्जिद का बैक यार्ड है, पीछे का हिस्सा है जो यहाँ की जो मस्जिद है। ये वही मेन कंपाउंड, यहाँ से यहाँ पे एक चीज़ अच्छी रहेगी, यहाँ पानी ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया पानी था। मैंने कई बार क्या होता है, मैं पानी खरीद के पीना पड़ता है ऐसी जगहों पर, लेकिन पानी फ्री मिला, अच्छी बात है। अब थोड़ा इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है। हाँ मैंने जैसे बताया था मस्जिद है, ये पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में। और हम वीडियो के आखिरी उस हिस्से की तरफ हैं और इसको देखते हैं। ये मस्जिद का गेट है, यहाँ से कॉम्प्लेक्स से जाने के लिए, मतलब कि जब भी नमाज वमाज का टाइम होता होगा तो राजा महाराजा वगैरह जो भी रहते होंगे वो यहीं से जाते होंगे। ये है एक गेट, और एक गेट ये नज़र आ रहा है, ये तीसरी गेट है, पीछे भी एक गेट थी। यहाँ कुछ है, ये देख सकते हैं आप, उस टाइम की तोप है जो मुझे पूरे म्यूज़ियम में, मतलब कि पूरे कॉम्प्लेक्स में सिंगल पीस दिखी है। ये देख सकते हैं आप पीछे से, ये तो ऐसी डेमो सा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं आगे अपने लास्ट हिस्से की तरफ इस म्यूज़ियम के। आपको बताया मैंने, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम पहुंच चुके हैं बिल्डिंग के आखिरी हिस्से की तरफ, यानी कि कॉम्प्लेक्स के, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के आखिरी हिस्से की तरफ, और यहाँ से आपको दिखाते हैं व्यू, फिर जो है वीडियो को करेंगे एंड।
ये देखिए, ये 1 2 3, ये देखिए, यहाँ पे पानी का सोर्स है, ये देख सकते हैं बना हुआ है बिल्कुल, कभी ना कभी तो चल रहा होगा। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं इसके चौथे हिस्से की तरफ बिल्डिंग के, ये देख सकते हैं चारों तरफ मतलब एक जैसा ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये देख सकते हैं और इसके बारे में जानते हैं, यहाँ पे कुछ है शिलान्यास, देखते हैं क्या लिखा है इस पर। यह है मोती महल, ये देख सकते हैं पूरा व्यू कैसा है ये, और काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे मैं तो कहूँगा अपनी फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, टाइम स्पेंड कीजिए, जगह बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट भी बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, 2-4 फोटो तो लेंगे, फिर वीडियो करेंगे। पूर्ण विराम, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, और जो भी कोशिशें थी आप लोगों के लिए ही थी, और अच्छा लगा यहाँ आकर के। मैं तो कहूँगा आप जब भी आएँ तो फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कोई वो माहौल नहीं मिला कि आप यहाँ फैमिली के साथ नहीं आ सकते, मोस्टली फैमिली के साथ विज़िट करिए अच्छा रहेगा। लोकेशन भी बहुत अच्छी है, देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है और वातावरण भी बहुत बढ़िया है। मैं तो कहूँगा कि फैमिली के साथ ही आए, टाइम स्पेंड करें, अच्छी जगह है ये है। अगर आप बाय मेट्रो आना चाहते हैं तो जोरबाग मेट्रो स्टेशन उतरिए गेट नंबर 2 की तरफ, वहाँ से आपको जो है वॉक इन डिस्टेंस मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट में आप जो है सफदरजंग टॉम जो है पहुँच जाएंगे। यानी ये देख सकते हैं आप पीछे मेरे, ये जो है ये सफदरजंग टॉम है, अच्छी जगह है, मुझे तो अच्छा लगा करके, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। लोकेशन भी अच्छा है और पेड़ पौधे भी बहुत हैं यहाँ पे, आप सुन सकते हैं मेरे सराउंडिंग में आवाज़ें चल रही होंगी चिड़ियों की चहचहाने की। अच्छा लगा, होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार, आपका अभिनंदन। तो मिलेंगे आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।